अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। क्या है मामला, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। मोदी सन्नी विवाद हेतु अब राहुल गांधी ने अदालत के फैसले को चुनौती दी। जी हां, निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। निचली अदालत के फैसले की चुनौती की अर्जी पर राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे थे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है और लालू का बेटा CM बनना चाहता है। मैं लालू जी से कहना चाहता हूँ, आप नीतीश को जानते हैं, वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। क्या है पूरा मामला, देखते रिपोर्ट में। बिहार के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने PM बनने का सपना देख रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अपने पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि जिसका वह सपना देख रहे हैं, अभी वह पद खाली नहीं है, क्योंकि लोगों ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला कर रखा है। शाह ने बिहार के नवादा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है और लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। मैं लालू जी से कहना चाहता हूं, आप नीतीश को जानते हैं, वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उन्हें ये पद नहीं मिलने जा रहा। देश की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा होता है, नीतीश कुमार अपने डिप्टी तेजस्वी यादव को कमान सौंपने के अपने वादे से मुकर जाएंगे, क्योंकि उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राउत ने आज PM मोदी पर उनकी डिग्री को लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने इस मामले में उनकी डिग्री भी सोशल मीडिया पर शेयर की। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सांसद संजय राउत ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर कड़ा प्रहार किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो डिग्री है, लोग कहते हैं कि यह बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस शोध विषय पर यह ऐतिहासिक व क्रांतिकारी डिग्री है। इसे नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर फ्रेम करके लटकाना चाहिए, ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर सवाल न उठाए। संजय राउत ने ट्वीट कर इस पर प्रतिक्रिया दी है। अब इसके पर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। इस बीच जहां संभाजीनगर में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक हुई, वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट की ओर से सावरकर सम्मान यात्रा निकाली गई। इस पर बोलते हुए संजय राउत ने कहा, सावरकर ने इस देश को एक दिशा दी है। सावरकर ने हिंदुत्व का विचार देते हुए प्रगतिशीलता और वैज्ञानिकता का एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। गया की बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो संगठन है जो आदिवासियों की पहचान छीनना चाहता है, इतना बड़ा गंभीर आरोप क्यों लगाया, क्या है अंदर की बात, देखते रिपोर्ट में। दिग्विजय ने सिवनी के पॉलिटेक्निकल कॉलेज मैदान पर बिरसा ब्रिगेड द्वारा मिशन आदिवासी स्थापना दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन में हो रही चोरी और खतरे में पड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को साथ मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हमें आदिवासियों की जल जंगल और जमीन की लड़ाई भी लड़नी होगी। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वे संगठन हैं जो आदिवासियों की पहचान छीनना चाहते हैं। इस अवसर पर राकंपा अध्यक्ष पवार ने कहा, आदिवासियों की समस्या व उनके अधिकारों के लिए हमें सब एकजुट होकर सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दिल्ली सरकार में कद्दावर मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को उस समय बड़ा झटका लगा था जब कोर्ट ने
उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह दावा किया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस कथित शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। उस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आखिर अदालत ने शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को राहत देने से इनकार क्यों किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया एंड कंपनी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। पूनावाला ने कहा, अदालत ने कहा कि पेश किए गए सबूतों की समीक्षा करते हुए यह कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मास्टरमाइंड है। आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई द्वारा आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किए गए सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टिकोण से आप नेता इस पूरे मामले के साजिश करता है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि यह पहले से ही तय था कि सरकार की प्रत्येक इकाई जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने जा रही है। इसका मतलब यह है कि यह पूरा घोटाला सरकार के टॉप पर बैठे व्यक्तियों से पहले ही चर्चा के बाद किया गया, क्योंकि जीओएम और कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। हाल को लगभग 16 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। अब मेरठ में एक सीसीटीवी में अमृतपाल एक टेम्पो से जाता हुआ दिखाई दिया है। वारिस पंजाब के प्रमुख अमृतपाल सिंह की तलाश में जहां पुलिस पंजाब के गांव-गांव की खाक छान रही है, वो भगोड़ा अमृतपाल सिंह यूपी के मेरठ में दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल को मेरठ के बेगमलपुर पर टेम्पो से जाते हुए देखा गया है। सूचना मिलते ही पंजाब पुलिस मेरठ पहुंच गई और टेम्पो चालक से घंटों पूछताछ की। पंजाब पुलिस ने मेरठ में ही डेरा डाल लिया है और अन्य टेम्पो चालक से पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि अमृतपाल मेरठ से दौराला जाने वाले टेम्पो में बैठा था। इस बारे में टेम्पो चालक का कहना है कि पंजाब पुलिस ने उसे अमृतपाल की फोटो दिखाकर पूछताछ की और यह भी कहा कि उसके टेम्पो में अमृतपाल करीब एक सप्ताह पहले बैठकर गया था। टेम्पो चालक का कहना है कि रोजाना उसके टेम्पो में सैकड़ों सवारियां बैठती है, हर किसी की शक्ल याद नहीं रहती। कब अमृतपाल पकड़ा जाएगा, यह सवाल पर पुलिस प्रशासन कार्यवाही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम को एक शानदार ऑप्शन माना जाता है। ये एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है। नौकरी पेशा लोग नौकरी के दौरान इस स्कीम में पैसा जमा करते हैं जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है। इस स्कीम से पैसे की निकासी के नियम में बदलाव हुआ है। आखिर क्या है ये बदलाव, आइए देखते हैं। एनपीएस की निकासी से जुड़े नए नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुके हैं। देश में पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी पीएफआरडीए ने पहले कहा था कि ग्राहकों के फायदे और सालाना इनकम के समय पर भुगतान के लिए 1 अप्रैल 2023 में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना अनिवार्य होगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में एक ग्राहक को निकासी फॉर्म, निकासी अनुरोध में बताए गए पहचान और निवास का प्रमाण पत्र, इसके अलावा बैंक अकाउंट की डिटेल और परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर कार्ड की कॉपी लगानी होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2023 से आंशिक निकासी को लेकर पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के नए नियम लागू किए थे। पीएफआरडीए ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2023 से अपने संबंधित नोडल कार्यालयों के माध्यम से आंशिक निकासी आवेदन जमा करने को कहा है। पीएफआरडीए ने कोविड महामारी के दौरान निवेशकों को सेल्फ डिक्लेरेशन तहत आंशिक निकासी की अनुमति दी थी। एनपीएस में निवेश करने वाला पूरे टेन्योर के दौरान सिर्फ 3 बार की आंशिक निकासी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। वैसे तो पाकिस्तान अपनी भूखमरी से आधा मर चुका है, फिर भी अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में पाकिस्तान जरा भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि पाकिस्तान से तुर्की से ऐसे ड्रोन हासिल कर लिए है जिसे पाकिस्तान क्रूज मिसाइल तक दाग सकता है। आखिर क्या है इस ड्रोन की खासियत, आइए देखते हैं। पाकिस्तान को तुर्की की तरफ से खतरनाक हमलावर ड्रोन का पहला बैच मिला है। इस ड्रोन का नाम है, यह एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्च इंश्योरेंस ड्रोन है, यानी ज्यादा ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन। यह निगरानी के साथ साथ हमला कर सकता है बम या मिसाइल से। HLE का मतलब ही हाई एल्टीट्यूड लॉन्च इंश्योरेंस होता है। पाकिस्तान को पहले बैच में कितने ड्रोन मिले हैं इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि कम से कम 6 या 7 हो सकते हैं। यह एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी यह युद्ध लड़ने में सक्षम मानव रहित ड्रोन है।
बिरफ्तार अंकिसी हेलड्रॉन को तुर्की की बायकर कंपनी ने बनाया है। इसकी पहली उड़ान साल 6 दिसंबर 2019 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसके 23 ड्रोन बनाए जा चुके हैं। इस ड्रोन के पास 5.5 टन से ज्यादा का टेक ऑफ वेट है। यह 2 टर्बोपॉप इंजन से लेस है जो इसे 750 HP तक की ताकत देते हैं। बिरकतार अंकिसी में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट एंड काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है। ड्यूल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एयर टू एयर रडार, कोलिजन एवियोनिक्स रडार और नेशनल एडवांस सिंथेटिक अर्पचर रडार से लैस है। इस ड्रोन के अंदर 400 किलोग्राम और बाहर 950 किलोग्राम वजन से हथियार लगा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुनिया का पहला ड्रोन है जो हवा से ही क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है। साल 2021 में बिरकतार अंकिसी ने अपने पहले फायरिंग टेस्ट दिए थे। इसमें 3 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इटली की सरकार जल्द ही औपचारिक कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा पर बैन लगाने वाली है। इसके तहत नागरिक द्वारा ऐसा किए जाने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इटली की सरकार जल्दी अंग्रेजी समेत अन्य विदेशी भाषा पर बैन लगाने वाली है। इसके तहत नागरिकों द्वारा ऐसा किए जाने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। इटली पार्टी के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने नया कानून पेश किया है जो आधिकारिक संचार में किसी भी विदेशी भाषा विशेष रूप से अंग्रेजी बोलने पर 1,00,000 यूरो यानी तकरीबन 89,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतालवी चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में इटली के राजनेता फेबियो रामपेली ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा समर्थित एक कानून पेश किया। इटली की सरकार द्वारा पेश किया गया यह कानून विदेशी भाषा की बात करता है लेकिन विशेष रूप से एंग्लोमेनिया या अंग्रेजी शब्दों के उपयोग पर आधारित है। जॉर्जिया सरकार के मुताबिक अंग्रेजी या विदेशी भाषा इतालवी भाषा को निंदा और अपमानित करता है। हालांकि इस बिल को अभी भी संसदीय बहस के लिए लाना जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। 1 अप्रैल के बाद कई कारों की जीवन लाही खत्म हो जाएगी। ये तो तारीख थी जिससे रियल ड्राइविंग एमिशन लागू हो गया। इसके तहत अब कारों के चलते समय कारों की रियल टाइम टेस्टिंग होगी और डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा कि पॉल्यूशन तय सीमा से ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना। 1 अप्रैल 2023 के बाद जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें RDE सर्टिफिकेट भी लेना होगा। सभी कारों में पोर्टेबल एमिशन मैनेजमेंट सिस्टम दिया जाएगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर RDE नॉर्म्स क्या होता है और इसका अब क्या असर होगा। आसान भाषा में कार से होने वाले पॉल्यूशन की हर समय निगरानी को RDE कहते हैं। इसके लिए कारों में ऑनबोर्ड सेल्फ डायग्नोस्टिक डिवाइस लगाई जाती है। BS6 Phase 2 के तहत सबसे बड़ा बदलाव ही RDE का किया गया है। इसके लिए कारों में 2 डिवाइस लगाई गई है जो हर समय कार से होने वाले पॉल्यूशन का डेटा मॉनिटरिंग करेंगे। इसके चलते कारों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। नए नियमों के बाद 1.5 लीटर से कम क्षमता वाले डीजल इंजनों को कंपनियों ने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसका कारण था कि इन इंजनों में इसे बदलाव के चलते काफी बड़ा खर्च होता जिसके कारण कंपनियों को कारों की कीमत में काफी इजाफा करना पड़ता। ऐसे में किसी भी छोटी कार को उस दाम में बेचना काफी मुश्किल होता। इसके चलते कार मेकर कंपनी ने अपने कई मॉडल को बंद कर दिया है। नए नियमों के अनुसार होने वाले बदलाव के चलते बड़े इंजनों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लीटर की क्षमता से ज्यादा वाले इंजनों को पहले ही नई तकनीक के साथ बनाया जा चुका था। इसके चलते उनमें ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है जिससे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर ज्यादा भार नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। दुनिया के लगभग 90% हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग भारत में होती है। इन हीरो में रूसी हीरे भी होते हैं। भारत की हीरा कंपनियों इस हीरो को अमेरिका और अन्य G7 देशों को सप्लाई करती है लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन रूसी हीरो पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। जी हाँ, भारत को झटका देने की तैयारी में है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय और यूरोपियन यूनियन रूसी हीरो पर कड़े प्रबंधन लगाने की तैयारी में है। अमेरिका और पश्चिमी देश पहले ही रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद भी भारत रूस से भारी मात्रा में रियायती कीमतों पर तेल खरीद रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और रूस के बीच की कड़ी लड़ाई में भारत फंस गया है। एक सप्ताह पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय और यूरोपियन यूनियन के अधिकारियों ने मुंबई के प्रमुख हीरा कारोबारियों और ज्वेलर्स को अलर्ट किया है कि रूसी हीरो पर कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। रूस अभी अपने कच्चे हीरो को पॉलिश करने के लिए सूरत के कारखानों में भेजता है। यहाँ से पॉलिश होकर न्यूयॉर्क, पेरिस और टोक्यो के लग्जरी स्टोर डीलरों को सप्लाई किया जाता है।
प्रतिबंध के बाद इस पर ग्रहण लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। बैंकिंग संकट के बीच स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस और क्रेडिट स्विस का विलय होने जा रहा है। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस विलय के चलते दुनिया भर में 36,000 कर्मचारियों की नौकरी जाने वाली है। 19 मार्च को यूबीएस द्वारा वित्तीय संकट में फंसे क्रेडिट स्विस के टेक ओवर की खबर सामने आई थी। यूबीएस ने घोषणा की कि वह पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव सर्जियो अर्मोटी को स्विट्जरलैंड के दिग्गज बैंक क्रेडिट स्विस के भारी जोखिमों को संभालने के लिए वापस लाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 20 से 30 फीसदी कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। इसका मतलब है कि 25,000 से 36,000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे चलते अकेले स्विट्जरलैंड में 11,000 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि इसके तहत किन पदों को टारगेट किया जाएगा। विलय से पहले यूबीएस में कर्मचारियों की संख्या 72,000 और क्रेडिट स्विस में 50,000 से अधिक है। यूबीएस और क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड के सबसे अहम बैंकों में से एक है। इन बैंकों को ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि ये बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है और इन्हें डूबने नहीं दिया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। एनएसए ने हाल ही में ऐसे रॉकेट इंजन की सफल टेस्टिंग की जो परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस इंजन की टेस्टिंग के साथ ही वह इंसानों को मंगल पर जल्दी पहुंचाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। नासा की सफलताओं की सूची में एक और सफलता जुड़ गई है, वो ये कि नासा का परमाणु ऊर्जा संचालित इंजन से चलने वाला रॉकेट मात्र 45 से 50 दिनों में किसी भी यान या इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा, जबकि अभी कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। इंसान अभी तक सिर्फ चंद्रमा तक पहुंचा है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर उसके कदम नहीं पड़े हैं। किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं चाहिए, ऐसा ईंधन भी चाहिए जो लंबे समय तक चल सके, खत्म ना हो। इसलिए परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट ऐसे मिशन में काम आएंगे। साथ ही जरूरत पड़ेगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्शन सिस्टम आदि की। रॉकेट को उड़ने की ताकत उसका प्रोपल्शन सिस्टम देता है। प्रोपल्शन सिस्टम को ईंधन के लिए अगर परमाणु ऊर्जा मिल जाए तो वह ज्यादा लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। इसलिए नासा ने वाई मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट पर काम शुरू किया है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में दो तरीके हैं, पहला न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम, दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोग्राम। इन दोनों के जरिए मंगल ग्रह की यात्रा 100 दिन में पूरी हो जाएगी, बाद में इसे कम करके 45 से 50 दिन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। अमेरिका में शुक्रवार और शनिवार को आई दर्जनों खतरनाक टॉर्नेडो में 26 लोगों ने जान गंवा दी। हालत इतनी बुरी हो गई है कि अमेरिका के साउथ और मिडवेस्ट के कई राज्यों में इमरजेंसी लगानी पड़ी है। अमेरिका के 7 राज्यों में आए तूफान से 8 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। खतरनाक तूफान से अरकानसास में तो एक स्कूल की छत ही उड़ गई। सबसे ज्यादा 7 मौत अमेरिका के टेनेसी प्रांत में हुई। वहीं अरकानसास में 5 और इलिनॉय में 4 लोगों की जान चली गई। टॉर्नेडो जहां से भी गुजरा अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए और घरों के दरवाजे खिड़कियां टूट गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अरकानसास में 2600 इमारतों को नुकसान हुआ। वहीं 34,000 लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार वैसे तो टॉर्नेडो दुनिया में कभी भी आ सकता है, लेकिन अमेरिका में ही सबसे ज्यादा टॉर्नेडो कानसास, ओक्लाहोमा, टेक्सास जैसे मैदानी इलाकों में ज्यादा आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। भविष्य में आने वाली महामारियों का अब पहले से ही पता चल जाएगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने फ्यूचर पैंडेमिक के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। अब ऐसा नहीं होगा कि कोरोना की तरह कोई बीमारी तेजी से फैले और उसे रोकने में दुनिया का हाल खराब हो जाए। चेतावनी मिलने से महामारी के हिसाब से वैक्सीन या दवाई बनाई जाएगी। क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम, देखते हैं खास रिपोर्ट में। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी देने वाला सिस्टम बनाया है जो अगली महामारी आने से पहले बता देगा। यह अर्ली वार्निंग सिस्टम जेनेटिक है, यानी जेनेटिक अर्ली वार्निंग सिस्टम। यह सिस्टम सटीकता के साथ बता देगा कि कौन सा रेस्पिरेटरी वायरस खतरनाक रूप ले सकता है। कैम्ब्रिज शायर स्थित वेलकम सेंगर इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिकों की टीम यह अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है। यह सेंटर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जेनेटिक रिसर्च और डीएनए सीक्वेंसिंग करने वाला केंद्र है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस, रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, कोरोना वायरस, अन्य पुराने। इस सिस्टम को बनाने वाले प्रोजेक्ट का मकसद था रेस्पिरेटरी वायरस और माइक्रोबायोम इनिशिएटिव का पता करना। इसके लिए मरीजों के नाक से लिए गए सैंपल ही मुख्य आधार बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी।
दुनिया के रईस बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर एक बार फिर बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। जी हां, मुकेश और नीता के बड़े बेटे आकाश अंबानी और उनकी पत्नी श्लोका मेहता जल्द ही दोबारा माता पिता बनने वाले हैं। हाल ही में श्लोका मेहता अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आई। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के कल्चरल सेंटर इवेंट में श्लोका मेहता ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करके अपनी दूसरी प्रेगनेंसी पर मुहर लगा दी। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। शनिवार के इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने टू पीस में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में से एक में श्लोका मेहता को अपने बेबी बम को फ्लॉन्ट करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि श्लोका मेहता और आकाश अंबानी ने साल 2019 में धूमधाम से शादी की थी। 10 दिसंबर 2020 को श्लोका और आकाश पहली बार माता पिता बने थे। उन्होंने अपने घर में एक बेटे का स्वागत किया था। उनके बेटे का नाम पृथ्वी आकाश अंबानी है। मुकेश और नीता दादा दादी बनकर काफी खुश हुए थे। कुछ दिन पहले ही ईशा अंबानी भी दो जुड़वा बच्चों की मां बनी है। इस बात में कोई शक नहीं है कि अंबानी परिवार में इन दिनों खुशी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट।